याद करें कि जब हम बच्चे थे तो किस तरह जीवन को अनोखे तरीके से देखते थे। समुद्र पे पड़ी शंख सीपी भी हमारे लिए खजाना होती थी। छोटी से छोटी चीज में भी हमें जीवन की खुशियां मिल जाती थी और हर दिन कितनी शांत और गहरी नींद सोते थे और अगले दिन फिर से उठ के हमारी आंखों में कई नए सपने होते थे। अपने इस बचपने को हमें कभी नहीं खोने देना चाहिए। तो चलिए आज फिर हम अपने उस बचपन में खोते हैं और हमारे उस बचपन के मासूम साये को अपना प्यार देते हैं और उससे वो प्रेरणा लेते हैं कि हम फिर से सपनों से इन आंखों को भर सके। तो पहले ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं, कमर सीधी रखें, हथेलियों को अपनी गोद में रख लें, दोनों आंखें बंद कर लें, चेहरे पर एक मन सी मुस्कान आने दें। एक लंबी गहरी सांस भरिए और इसे रोक लीजिए और अब मुंह से सांस को धीरे धीरे छोड़ते जाइए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए और इसे शरीर में रोक लीजिए और मुंह से सांस छोड़ते हुए शरीर में स्थित किसी भी तरह के तनाव को बाहर जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस भरिए और इस सांस को रोकने के बाद अब मुंह से सांस छोड़ते हुए शरीर को और ढीला छोड़ दीजिए और शांत होने दीजिए। अपने पैरों में स्थित किसी भी तरह के तनाव को धरती में समाने दीजिए। देखिए कि हर सांस के साथ शरीर और शांत होता जा रहा है और गहरे ध्यान में जाता जा रहा है। अपनी सांस पर ध्यान लेकर आइए और देखिए सांस गहरी है या नहीं है, शरीर के किस हिस्से तक ये सांस जा रही है। सांस को पूरे शरीर में फैलने दीजिए और देखिए एक खूबसूरत प्रकाश पूरे शरीर में भर रहा है। उस पूरे कमरे को उज्ज्वलित कर रहा है जहां आप बैठे हैं। आपके पैरों से लेके चेहरे में ये प्रकाश भर गया है। सर के ऊपर पूरी तरह ये आपको अपने में समेटे हुए है। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, शांत हैं और अब अपनी आंखों के ठीक बीच में ध्यान ले जाइए और अपने आप को देखिए जब आप 5 या 6 साल की आयु के थे। देखिए कि ये बच्चा क्या कर रहा है, किस तरह घूम रहा है, चल रहा है, क्या कपड़े पहने हुए हैं इसने, क्या काम कर रहा है, क्या सोच रहा है ये बच्चा। और अब देखिए कि इस बच्चे को जिस भी साथ की ज़रूरत है वो आप इसे दिला सकते हैं। देखिए कि ये बच्चा आसपास किसी सहारे को ढूंढ रहा है और आप आज की इस आयु से उस समय में जाके इस बच्चे को गले लगाते हैं, इस बच्चे को सांत्वना देते हैं, भरोसा देते हैं कि ये अकेला नहीं है। अगर ये बच्चा रो रहा है तो इसे अपने और करीब ले आएं और इसे गले लगाकर यकीन दिलाएं कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि अब आप इसके साथ हैं। और देखिए कि किस तरह से ये शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। अब इसे बैठाकर जानिए कि क्या सपने ये देखता है, क्या बनना चाहता है। याद करें क्या बनना चाहते थे आप अपने जीवन में। और अभी भी कोई देर नहीं हुई है। आज के ज़माने में कितने नए नए अवसर खुल चुके हैं, उन सारे अवसरों को आप देख सकते हैं। इस बच्चे को दिखा सकते हैं कि वो आज भी और कभी भी किसी भी अवसर को हासिल कर सकता है। उस बच्चे के अंदर इस भरोसे को भरते हुए देखिए। जानिए कि किस चीज़ से ये बच्चा डर रहा है,
तो बताइए अब कि ये निडर हो सकता है। आप इसके साथ हैं और इस दुनिया में हर जगह रोशनी है, प्रकाश है। इस बच्चे को अब ध्यान की स्थिति में बैठने दीजिए, ठीक उसी तरह जिस तरह आप आज लंबी गहरी सांस लेकर सीधी कमर कर कर बैठे हैं, उसी तरह इस बच्चे को भी अब ध्यान करना सिखाएं। देखिए कि ये बच्चा अपने चेहरे पर एक मंद सी मुस्कान लेकर ध्यान में बैठ गया है और जैसे जैसे ध्यान कर रहा है ये पूरी तरह एक प्रकाश में विलीन होता जा रहा है, एक प्रकाश का गोल आकार बनता जा रहा है। लेकिन अब इसके चेहरे पर एक खुशी है, इसके मन में विश्वास और भरोसा है कि ये हर स्थिति में आगे बढ़ सकता है, ये निसंकोच होकर आगे बढ़ सकता है। इसे भरोसा दिलाते जाइए कि इसने अगर कोई भी गलती की है तो उससे कुछ नहीं होता, इसका भविष्य उन गलतियों से निश्चित नहीं होता और हर दिन एक नया अवसर है अपने जीवन को बदलने का, और वो आप ही इसको भरोसा दिला सकते हैं। देखिए ये बच्चा अब पूरी तरह से सिर्फ एक प्रकाश का आकार बन गया है और ये प्रकाश का आकार अब आपकी छाती के ठीक बीच आपके हृदय चक्र में बस रहा है और जैसे ही आपके अंदर आता है आपके शरीर के अंदर किसी भी तरह के तनाव थे वो अब और नए तरीके से पिघले जा रहे हैं। आपके अंदर एक शांति आ गई है। उस बच्चे का प्रकाश देखिए आपकी आंखों तक आ रहा है और अगला दिन बहुत खूबसूरत होगा। इसी ख्वाब के साथ मैं रोज सोऊंगा, हर पल सरलता से रहूंगा। इस पूरी भावना को अपने अंदर समाने दें। देखिए कि आपके शरीर के आसपास प्रकाश और बढ़ा होता जा रहा है और पूरे कमरे में फैल गया है। और अब अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के अपनी आंखों पर रखिए और धीरे से आंखें खोलिए और देखिए कि एक नए दृष्टिकोण से आप आज से इस जीवन को व्यतीत करेंगे।